देखिए अब आपका खेल खत्म हो चुका है। पहले आपने गिरफ्तार किया था, ठीक से चलो लेके चलो अभी। नहीं नहीं रुक जाओ, अरे गुड क्या अरे, 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 इलायची जी। इलायची एक बात बताओ, इस तरह से तुम्हें भेष बदल के घूमने की क्या जरूरत है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या? क्योंकि मुझे पहले से पता था कि एक फ्रॉड फ्रंग हमारे चांदनी चौक में घूम रही है। अच्छा तो तू उसका साथ दे रही थी जिससे वो अनजान देश में अपने आप को अकेला महसूस ना करे। बात कर रही है बेकार की। नहीं यार पापा, फिर बल्कि मैं तो चेक कर रही थी कि हमारे ये चांदनी चौकी जो प्लेस है ये अलर्ट है कि नहीं है। और एक बार फिर पिंकी अंकल ने साबित कर दिया कि उन जैसा पुलिस वाला पूरी दिल्ली में नहीं है। क्या बात है, मतलब I'm so proud of you। उसमें क्या है, लेकिन इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं की है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। साला नौटंकी। मैं तो ये कह रही हूँ सर, सुपर सुपर कीप इट अप। अच्छा नहीं मतलब अब ऐसा हो रहा है कि मेरे ना हेयर स्पा का टाइम हो रहा है। तो मंगी तुमने पानी गर्म करके थाने में रेडी रखा है ना? हाँ एकदम खौला दिया है। खौला दिया है, इससे पहले कि पानी ठंडा हो जाए मैं जाके उसमें अपना सर डाल देता हूँ। अबे चलना, आइए आइए आइए। सुने लाइची, तू जो है अंग्रेजन मन के वजह से अच्छी लग रही थी। इतनी अच्छी अंग्रेजी तू कैसा बोल रही है बता? क्योंकि लाइफ में ठंडे हो रखे है। कोई ठंडा ना हो रखा है। 11वीं पास करके दिखा दे बस, बाद में अंग्रेजन बन लियो। ओके वैसे अच्छी लग रही थी ना, मुझे ना मालूम। बताओ ना। अरे तुम कर दो ना तारीफ थोड़ी सी। अच्छी तो लग रही है। चल ना चल के मम्मा को बताते हैं। चल चल चलो। भगवान ही आपने क्या किया, मतलब समझ नहीं आता ना कभी कभी, कभी लड़ते हैं कभी झगड़ते हैं। सेठ जी अभी आप आए थे। आए थे नहीं हमें तो, काम कर ले ये काम कर ले, बहुत अंग्रेजों के साथ नैन मटक्का चल रहे हैं तेरे, मैं देख रहा हूँ जी। तुझे पता नहीं था ना कि ये इलायची है? जीजाजी छत पर है जी। इलायची जीजाजी छत पर है। ओ सॉरी इलायची जी जीजाजी छत पर है, वो जबान फिसल गई हमारी। जबान फिसल गई। अरे कोई जबान नहीं फिसली है, बल्कि आप तो पूरे के पूरे फिसल चुके हैं जीजा जी। इलायची जी आप क्या बोल रही हैं, हम बिल्कुल भी नहीं फिसले, बिल्कुल ठीक ठाक है, देखिए ना। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है ज्यादा, गिटार देखा नहीं कि सितार को भूल गए, मतलब आपने पूरी धुनी बदल दी। वैसे इलायची जी आपकी सारी बातें काफी संगीतमय लग रही है, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, ये शराफत का टोकरा ना आप मेरे सामने लेके घूमते हैं बस। कुछ खास बात हो रही है? कर लो मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं बिट्टू भाभी यही खड़ी रही आप। अरे आपकी किस्मत फूट गई है पता है आपको? कैसे आदमी से शादी कर लिया आपने? अरे पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं आपके सामने यार। सही कह रही हो आप, किस्मत तो मेरी पहले से ही फूटी हुई है, लेकिन क्या करें जी, अब फूटी किस्मत जुड़ने से तो रही। वो भूख। हाँ बुबू ये ना फिसल गए पिंटू भाभी, फिसल गए।
फिसल गए गुगू, कहीं चोट तो नहीं आई? पिंटू भाभी, मेरा मतलब ये है कि ये उस फिरंगन पे फिसल चुके हैं। क्या हो गया है पिंटू भाभी, सदमा लग के पागल हो गई हो क्या? हंसे जा रही हो? रोना चाहिए, दोनों पागल हो गए यहाँ पर। बुबू, लगता है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि शायद हमें शुरू से ये पता था कि एला जी और इलायची जी दोनों सेम हैं। है? मतलब? मतलब इलायची जी, हमने आपकी और सुनीता जी की बातें सुन ली थी। मतलब एक बार उन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो शादीशुदा है। अंग्रेजन देखे नहीं कि लट्टू की तरह घूमने लगे। थैंक यू इलू जी और सुनीता जी, अब देखते हैं कि गेम में कैसे खेलेंगे। और इस बार हमने सोचा क्यों ना आपके तरीके से खेला जाए। हम फिसलने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। वो क्या है ना कि अब आपके साथ इतने दिनों से रह रहे हैं, तो हमने सोचा कि कुछ तो सीखा जाए, तो हमने आपसे ये सीखा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं चीजा जी। हो रखे अरे दरोगा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे घूंघट में क्या छिपा रहे हो? हमें भी तो दिखाओ नजारे, मामला क्या है? छोटे, तेरी इसी छोटी सोच की वजह से तेरी माँ ने जरूर तेरा नाम रखा होगा छोटे। अरे गलत बात कर रहे हो दरोगा जी, है बेकार की बात। अबे गलत बात कर रहे हो दरोगा जी, है छोटी सोच क्या? अरे आदमी की जो समझ में आ रहा है वही तो पूछ रहा है। दुकान छोड़ रहा हो खाम खा। अच्छा ये बताओ साफ साफ कि किसकी मूर्ति की स्थापना कर रहे हो आज? मेरे दादाजी की। ये मूर्ति मेरे दादाजी की है, आज ही मैंने उनकी फाइल भारत इतिहास भवन से मंगवाई है आजादी के टाइम की। आज तुम सबको पता चल जाएगा कि दारोगा पिंकी कौन से खानदान से हो रखे है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सर जी, फाइल आ गई है। अरे बाबा, इस फाइल में मेरे दादाजी के महान कारनामों का पूरा ब्यौरा है जो उन्होंने आजादी की लड़ाई में किए थे। पढ़ा हुआ तो मैंने भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आज सारी दुनिया के सामने मैं भी उनके कारनामों को पहली बार सुनूंगा और जानूंगा कि मेरे दादाजी ने आजादी की लड़ाई में कितने लीटर खून और पसीना बहाया था। पढ़ मंगूगी, पढ़ जल्दी पढ़, सारा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद मेरे दादाजी की मूर्ति को स्थापित करेंगे और सब लोग मिलकर इन्हें सलूट करेंगे। ओके चल मंगी, पढ़ पढ़ जी। अरे राय बहादुर पर्वत सिंह, जिनके कारनामे वाकई पर्वत की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों तक के थे। ये वो नाम था जो बहुत कम उम्र में ही आजादी की लड़ाई में कूद चुका था। आगे पढ़। हाँ हाँ, पर्वत सिंह आए तो थे ईमानदार इरादों से, लेकिन फिर अंग्रेजों ने उन्हें पैसे दिखाए और लालच में आकर पर्वत सिंह गद्दारी पर उतर आए। पर्वत सिंह ने बहुत सी घटिया हरकतें की, लेकिन सबसे बुरा तो ये था कि वो अंग्रेजों को मस्का लगाने के लिए उन्हें अपने हाथों से बैंगन का भरता और छौंक वाली दाल बना के खिलाया करते थे और उनके बच्चों के स्वेटर बुनते थे। अंग्रेजों ने उन्हें प्यार से रॉकी नाम दिया था। रॉकी? रॉकी जो तब के दौर में कुत्तों के लिए सबसे पसंदीदा नाम हुआ करता था। आगे लिखे है कि पर्वत सिंह ने इतनी गद्दारियां की कि सिर्फ और सिर्फ पर्वत सिंह की वजह से आजादी मिलने में 5 साल की देरी हुई, वरना हम लोग सन 1942 में ही आजाद हो गए होते। मंगी बस, मंगीलाल टेम्पो मंगा और मूर्ति लगा,
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। और इलायची कैसी है? चलेगा तू कहाँ देख रही है? टेम्पो मंगाया यार, टेम्पो मंगाया। अरे फाइल को चला दे। ये है आपके औकात। ओ भाई लंबू, मैं क्या कह रहा यार, सुनीता जी की किस्मत कितनी अच्छी है भाई। शंकर जी की बहुत पूजा की होगी उन्होंने, तब मेरे जैसा पति मिलेगा उनको। कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, सब काम आते हैं मुझे घरेलू। मैं तो ऑलराउंडर हो रखा हूँ भाई। हाँ हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा था कि तू कितना बड़ा ऑलराउंडर है ना। जैसी तेरी सुनीता जी के साथ शादी होगी, उन्हें एक काम वाली की जगह एक साक्षात काम वाला मिल जाएगा। साले तू जलता है, चल कुकड़े साले, फालतू की बात ना कर। तूने कौन सा महारानी बना के रखा है यहाँ पे? जब से आया हूँ चौका चूल्हे में लगाऊ, ढोलक को हाथ भी ना लगाया आज तक मैंने। अबे चुप कर यार, एक तो ये लग नहीं रहा, ऊपर से बकवास करे जा रहा है, पूरा औरत हो गया तू। चुप कर, जब देखो ना लड़ने के मौके ढूंढता रहता है यार, फालतू बात मत कर। पहले ये नहीं हो रहा, मैं औरत नहीं गया, तू बड़ा भारी मर्द हो रखा। तेरी तो मनों को ढूंढता हूँ लड़ने, तेरी मन को ढूंढता हूँ साले। हाथ ना लगाइए, बता रहा हूँ। पागल है क्या? पटक दूंगा उठा के, बताऊ मार दूंगा पछाड़। ठीक हो बेबी? ठीक हो? देखो हर समय प्यार मत किया करो। हाँ हाँ, दर्द तो नहीं हो रही? जी इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि जीजा जी जो हैं मगरमच्छों के साथ स्विमिंग कर रहे हैं, अभी तैर रहे हैं, तैर रहे हैं यमुना में। इलायची जी बिजी हैं अभी, थोड़ी देर में आई है ना, प्लीज। जीजा जी प्लीज, मैं यहाँ कोई मजाक के मूड में नहीं आई हूँ। देखिए मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, इसलिए आपकी एक हेल्प चाहिए मुझे। इलायची जी उम्मीद तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे पूछ नहीं रही हैं, आप हमें ऑर्डर कर रही हैं? नहीं जीजा जी, वो अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे ना अभी, तो आपके पास एक और ऑर्डर आएगा इस घर को खाली करने का। इलायची जी, आप भी ना हम तो मजाक कर रहे थे, आप ये बताइए कि हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? सहायता? So cute. धन्यवाद इलायची जी। जीजा जी, अब तो बात ये है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। वो ना मेरी अटेंडेंस स्कूल में थोड़ी सी कम है। अच्छा, थोड़ी सी कम है? थोड़ी सी मतलब कितनी? वो थोड़ी सी आप इतनी समझ लीजिए कि जब मैं अपनी टीचर को अटेंडेंस के लिए पटाने गई ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे पहचानती नहीं है, उन्होंने मुझे कभी क्लास में देखा ही नहीं, और वो मुझे क्लास में तब तक नहीं बैठने देंगे जब तक मैं अपने मम्मी पापा को नहीं मिलाती उनसे। अच्छा, लेकिन मैंने सोचा कि मतलब इतनी सी चीज के लिए मतलब मम्मी पापा को परेशान करना मतलब अच्छी बात नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं सही कह रही हैं आप, इतनी सी बात के लिए मम्मी पापा को क्यों तंग करना? आप उन्हें साफ साफ सच सच क्यों नहीं बता देती कि फिल्म देखने के बाद, फालतू टाइम पास करने के बाद, मटर गश्ती करने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता ना, आपका पूरा दिन निकल जाता है, आप बिजी होती हैं, बता दीजिए ना उन्हें। वही तो, इतनी बिजी रहती हूँ मैं। जीजा जी, आपने ज्यादा सासू माँ नहीं हो रखे हैं? ए मतलब फ्री में ताने? देखिए बस एक छोटा सा काम है आपसे, क्या आप ना मेरे गार्डन, मतलब गार्डन नहीं एक्चुअली, आप मेरे पति बन जाइए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, डन डील। ठीक है ना? कतई नहीं, नो। हमारी बीवी अभी जिंदा है, हम ऐसे नाटक नहीं करते। हाँ तो खून करने के लिए नहीं कह रही हूँ पिंटू भाभी का, छोटा सा झूठ बोला यार, बोल दो ना यार। अरे इलायची जी, हम नहीं करेंगे, हमने बोला ना हम ये काम नहीं कर सकते। बुबू, अब वो कह रही है तो बन जाओ नकली पति, हमारा रिश्ता तो 7 जन्मों का है, इस पर कोई आंच ना आएगी। सो स्वीट, देखा पिंटू भाभी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो बन जाओ। हाँ तुम अपना काम करो बुबू। ठीक है गुगु। जी क्या, हमने मना कर दिया ना आपको, हम नहीं कर सकते। इलायची जी आप फालतू बातें मत करिए। इतनी अकड़? जी बाय गॉड पिंटू भाभी, ये डेट और ये टाइम नोट करके रख लो, याद रखना। ठीक है कर लेंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि जब चीजा जी को नेक्स्ट टाइम मेरी हेल्प चाहिए होगी ना,
तो मैं भी कहूंगी ना, कहते नहीं, नो। और फिर पता है क्या होगा, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की, देख लेना। तो तू क्या कई फीट नीचे गया था गटर में ये तेल खरीदने के लिए? और इलायची कैसी है? अरे तेरी खून की प्यासी है। एकदम रोको ना सेठ जी, तुम इस मालिश के मजे लो। ये देखा है, लौंडे के चक्कर में पड़े हो तुम। ये देखो पहले कितना बढ़िया तेल लेके आया हूँ सेठ जी, मैंने सुना है इससे दिमाग शांत हो जाता है। एक बात बताऊं तुझे, या तो तू तेल बदल दे वरना मैं ये दुकान बदल दूंगा, बता रहा हूँ। कल से तू मेरी शक्ल देखने के लिए तरस जाएगा। सेठ जी तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, तुम्हारा तुम्हारा हाल वो है, कितने भी तुम्हारे लिए लाख जतन कर लो, दिल निकाल के रख दो, रूठी रहती हो बिल्कुल, जैसे वो शादी में आता ना फूफा बारात वाला, वैसे रूठी रहती हो तुम। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तेल बदल दो, ये वाला खराब है अलग कर लो, पुराना वाला तेल लगा दूं, खुश हो, पुराना वाला सही है। लो सुन, आगे से ना तू ये तेल वेल मत बदल यार, मुझे ये बदला सट्टी पसंद नहीं है बस। अच्छा एक बात बताओ सेठ जी, जो चांदनी भाभी रोज रोज बालों का नया नया हेयर स्टाइल करती है और तुम मन लगा के देखते हो, तब तब तुम्हें बदली भी पसंद है, अदली भी पसंद है, सब पसंद है तुम्हें? अरे तो तू क्या चांदनी भाभी हो रखा है? सुन ऐसा मुंह को आराम दे और हाथ चला अपने बस। अरे दरोगा जी, क्या बात है, कहाँ को निकली आज सवारी? अरे भाई यहाँ पे ये वायु प्रदूषण कितने फैला रखा है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे ना ना दरोगा जी, ये तो मेरे नए तेल का कमाल है, नए तेल की खुशबू है। खुशबू? खुशबू? हाँ खुशबू से याद आ रही है मुझे कि मंगी जी, ये मेथी तू कहाँ से लेके आया, एकदम खुशबू ही नहीं है इसमें, ऐसा लग रही है जैसे बासी मेथी हो रखी है। तो अबे तुझे मेथी खानी है या लगानी है? मैं तो ये कह रहा था सर, बदलवा देंगे, कोई नहीं बदलवा देंगे। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ मंगी जी, मेथी को छोड़ देता हूँ यहीं और तुझे ले जाके थाने तेरी चटनी क्यों ना बना दूँ, तेरे पत्ते बहुत बिखर रहे आजकल इधर उधर। क्या बात है दरोगा जी, है बड़े टेंशन में लग रहे हो आज। अरे नहीं नहीं कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हो रखी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है इधर? कुछ ना, अरे सेठ जी कुछ नहीं, एक छोटी सी खबर मिली है, अपने चांदनी चौक में ना कुछ आतंकवादियों का स्लीपर सेल चल रही है। तू ना मुंह बंद रखा कर, तू बोल, तुझे देखना मैं आज थाने ले जाके एक किलो लहसुन छिलवाऊंगा तुझसे। अरे लेकिन अरे दरोगा जी ये मंगी क्या कह रहा है, ये बकवास कर रही है, ये खबर तो पक्की हो रखी है। वैसे तो एक आदमी औरत हो रखे हैं जो पति पत्नी बन के यहीं अपने चांदनी चौक में रुके हुए हैं, चुपके चुपके वो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रही है। दरोगा जी अब क्या करेंगे? करूंगा क्या, अरे प्रेशर है ऊपर से, इतना प्रेशर आ रही है, प्रेशर से याद आ रही है मंगी, अपने प्रेशर कुकर की सीटी भी तो खराब हो रखी है, वो याद से लेके जाना है वापस। अबे तुमसे बोल रही हूँ हटना। अबे हट ले जब बोल रही है। ऐसा है सेठ जी, अपने एरिया में जितने भी नए नवेले दूल्हा दुल्हन हो रखे ना, सबकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी अब। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी दुकान में जो लड़का काम करता है ना, उसकी भी तो नई नई शादी हुई है और उसकी बीवी भी कुछ अजीब है। अरे सुन तो दूसरों की बीवियों पे बहुत नजर रखे हैं, क्यों बात कर रहा है उसकी? अरे मैंने देखा है, भला लड़का है, शरीफ लड़का है, क्यों बात कर रहा है उनकी तू? एक मिनट सेठ जी, तफ्तीश करना मेरा काम हो रखा है और मैं तो तफ्तीश करूंगा, मैं बताऊंगा आपको तफ्तीश होने के बाद कि वो दोनों कितने शरीफ हो रखे हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।